नमस्कार दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला, जानते हैं सन्नी भाई की दुकान पे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। जैसे इनके पास ये हरी तिक्खी मिर्ची आई, अचारी मिर्ची, शिमला मिर्च, मखनी गंवार, जान लेंगे आज का क्या कुछ बाजार चला और भी सब्जियाँ इन भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी भाई साहब जी, क्या क्या माल आया जी आज अपने पास? जी माल आया रहना जी अपने पास बॉम्बे की शिमला। हाँ जी बिकली जी वो बिकली यार, दिखा तो देखने को मिलती नहीं, सुबह में रात ही को उठा ले जाते हैं क्या उसको? रात में बिक गई। अच्छा, क्या रेट चल रहा है जिसका? वो बिका 50-55। 50-55 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा जी, और ये कहाँ वाली जी? ये जबलपुर है। जबलपुर का क्या बाजार जी? जबलपुर देखो, जबलपुर की मिर्ची हल्की हो गई है। हाँ जी, जो हल्की है तो जैसे माल निकलता है उसी हिसाब से बिक रहा है। जैसे मान लो 25 रुपए से लेके 40 रुपए तक बिक रहा है जबलपुर की। और ये इसका एसी का क्या रेट है? 40। अच्छा जी, और कहाँ की आई है? उसके बाद शिमला आई थी अपनी आगरा वाली। हाँ जी, आगरा वाली शिमला आई थी, वो बिकी है 40-45। 40-45 टॉप की शिमला। अच्छा, और वो पंजाब वाली नहीं आ रही पन्नियों में? पंजाब वाली पन्नी आई थी, पन्नी बिकी है 40-45। बिकली जी वो सारी? वो बिकली। अच्छा जी, और ये अचारी जी है? ये अचारी मिर्ची बिक्री है जो हल्की है ये। हाँ, बढ़िया होती तो ये बिकती कम से कम 45-50 की, हल्की है बिक्री है 25-24 का। अच्छा जी, और वो बोरियों में लंबी पीली जी? वो पीली है, पीली बिकी है अपनी 25 रुपए। पीली 25 रुपए। हाँ जी, वो कहाँ की चल रही है पीली? आगरा की है जी। आगरा 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 जी। और ये हरी तिक्खी मिर्च कहाँ की आई? मिर्ची का बाजार समझो पंचकूला, ये अपना यहाँ का है, क्या नाम है इसका, कलकत्ता। हाँ जी, इसका बाजार है 28-30 का। ये पंचकूला है? हाँ पंचकूला। अच्छा, अपने पास वो नहीं आती जो आगरे की नई मिर्ची है? आगरे की मिर्ची आई थी। हाँ जी, तीखी वाली 40 रुपए बिकी वो। 40 रुपए। हाँ जी, अब बाजार मंदो लिया इसका भी? हाँ बाजार, अब माल ज्यादा अराइवल हो गया अब। अच्छा जी, अब हर एरिया से माल आने लगे ना ये लोकल तिक्खी मिर्ची का भी आने लगे। अच्छा, ये गाड़ी आगरे की है जी ना? वापस पूरा जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, और इसका मखनी गंवार का जी है? ये गंवार मोटी है, ये रात में बिकी है 30-32 की, इस टाइम पे बिक्री है 27-28 की। अच्छा, बोरियों में ये मखनी नहीं है? नहीं, ये मोटी। मखनी का क्या बाजार चल रहा है? बाजार अगर आए अभी इस टाइम पे उसका बाजार 50-55 का है। 50-55 मखनी गंवार किलो जी। अच्छा जी, और भिंडी का जी? भिंडी अपने पास आई थी आपकी कोटा की। हाँ जी, कोटा वाली भिंडी का बाजार 65-70। राजस्थान वाली कोटा? राजस्थान वाली कोटा का। हाँ जी, उसके बाद अपने इलाहाबाद की भिंडी 60-65। इलाहाबाद की 60-65 रुपए? 65। अच्छा जी, उसके बाद एक बैगन आई थी राजकोट। हाँ जी, राजकोट की बैगन आई थी, वो मोटी भरता वाला जो आता है। हाँ हाँ हाँ, उसका बाजार रहा समझो अब 30-35 का। 30-35 रुपए किलो जी भरता वाला। अच्छा जी, और वो जो है छोटे चूचू दूसरे सब बंद हो गए जी? खत्म हो गए। और वो कैरी आम आया था वो भी बंद हो लिया अपने पास जी? कैरी तो अभी गुजरात वाली चलेगी। हाँ जी, बोरी वाली आ रही है 65-70। और खीरे का बाजार भाई आज? खीरा सीडलेस भी का अपना आज जो डब्बो में आई थी वो 24-25। हाँ जी, और पानीपत वाला 27-28। अच्छा जी, और देसी वगैरह की वो नहीं आ रहा हाइब्रिड खीरा जी? हाइब्रिड अभी नहीं आ रहा अपने पास। अच्छा जी, और क्या क्या माल आ रहा जी? बस टिंडा वगैरह नहीं आता जी? आई थी आज कानपुर। हाँ जी, 105 रुपए टिंडा। 105 रुपए? हाँ जी। अच्छा जी, जो महाराष्ट्र साइड से आ रहा है? हाँ जी, वो बिक रहा है 60-40, मतलब वो थोड़ा सा हल्का है महाराष्ट्र वाला जी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। एक कॉमेंट आ रहा था वो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कॉन्टैक्ट होता है, भाई मेरी तो बात सही ऐसी है। तो बात करते हैं आर के एंड कंपनी पे, जानते हैं राहुल भाई की दुकान पे आज का मटर का क्या कुछ बाजार चला, क्योंकि 12 महीने मटर बेचते हैं, मटर की अब बोली चल रही इनके पास। और आज इनके पास ये परमल की गाड़ी आई, परमल आया और इनके पास, और जानते हैं क्या कुछ, जैसे कटल आया, परमल आया और बेल पत्थर आई थी वो तो बिक गई। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का मटर का क्या कुछ बाजार चला जी? कितनी लो जी, पकड़ो जी, कितनी गड़ी आ रही जी? राणा जी, मटर जितनी कलती उतनी आज है। अच्छा जी। हाँ जी, तो और बाकी मटर में गर्मी की वजह से मटर का बिक्रा थोड़ा घट हो गया है। अच्छा जी, बिक्री कम हो गई? हाँ, बिक्री घट हो गई, मटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण। हाँ जी, माल का उतना उठाव नहीं हो पा रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रेट भी टूटा जी? फिर रेट तो वही चल रहा है जी, डाउन है, 2 दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी, 30 रुपए से लेकर वो 40-50 रुपए तक बिक्री है मटर। बस ये अपनी उत्तराखंड वाली जी या कहीं हिमाचल वाली जी? इसमें सब हिमाचल उत्तराखंड सब एक से बिक्री। 30-40 का ही बाजार जी? 30-40 का, वही बोरी, एक दो बोरी का नहीं गिनते, 45-50 तक बिक जाए जूट। अच्छा, ज्यादा 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 43-44। क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही जी क्या जी आजकल? बरसात ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों पे वैसे बरसात हो जाती थी। हाँ जी, तो फसल बढ़िया हो जाती थी। हाँ जी, पर इस बार ऊपर पहाड़ों पे बरसात नहीं हुई। अच्छा जी, तो उस चक्कर में क्वालिटी थोड़ी
बढ़िया। तो जितने दिन आने वाले दिन में और लू चलेगी और क्वालिटी डाउन होगी जी, जो बरसात ना आएगी फिर ये तो। देखो जी बिल्कुल है, जाहिर बात है जब ऊपर बरसात नहीं हुई तो, और अभी से गर्मी पड़ लीजिए तो पूरी की पूरी अप्रैल में बहुत बहुत ज्यादा फर्क है जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस बार। और आज ये कटल भी आज अपने पास जी? हाँ जी हाँ जी। कटल का क्या बाजार चल रहा है? 30 रुपए किलो बिका जी। 30 रुपए किलो जी? हाँ जी, कलकत्ता का माल है ये। अच्छा जी। और ये परमल की गाड़ी? परमल बिका 45-46 जी। परमल 45-46? हाँ जी। और कह रहे बेल पत्थर भी आई थी, बेलगिरी? हाँ जी, बेल पत्थर कहते हैं। हाँ जी हाँ जी। उसका क्या बाजार के सौदे हैं जी? हाँ जी, वो 13 रुपए किलो बिकी जी। 13 रुपए किलो तोल के गई जी? हाँ जी तोल के बिकी। अच्छा जी अच्छा, 13 रुपए किलो बिकी। और फ्रांस बीन नहीं आ रही है अपने पास? अब नहीं जी, फ्रांस बीन अभी चालू होगी, अभी फिलहाल लोकल वाली फ्रांस बीन चल रही है। हाँ जी हाँ, उसमें लेकिन तेजी है। अच्छा जी। उसकी लोडिंग की वजह से डिमांड ज्यादा है। हाँ जी। बल्कि यहाँ मंडी में डाउन बिक रही है। अच्छा, मंडी में बिक रही है वो 38-40 रुपए किलो। अच्छा, खेतों से लोडिंग हो रही है 42-44 रुपए किलो। आज आप बोली पे नहीं बैठे जी, इसी करके अभी अभी उठाना जी, रात को 1 बजे से टाइम हो गया, अभी उठाऊंगा। अच्छा जी अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जानकारी। सीधा 60 रुपए पार जाएगी दोस्तों। ये इनकी दुकान का एड्रेस है, इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है। दोस्तों बात करते हैं चाइनीज सब्जियों की, जानते हैं इंपोर्टेड वेजिटेबल का आज का क्या कुछ बाजार चला हुआ, हिसाब के पास मंडी में क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, किस चीज़ में उठा पटक हुई जी बताओ जी। सर आज ब्रोकली में बहुत ज़्यादा उठा पटक हो गई। हाँ जी, ब्रोकली सर 120 रुपए किलो तक बिक गई। वाह जी वाह, ब्रोकली जी। और ये वाली ऐसी जी? ये 100 रुपए किलो बिक गई सर। अच्छा जी, ब्रोकली ये अब कहाँ वाली आ रही जी है? अभी ये लोकल के लिए सर। अच्छा जी, सोलन की बहुत कम आ रही है इसलिए वो भी मिल नहीं रही। अच्छा जी, ब्रोकली में सबसे ज्यादा 120 रुपए किलो तक। पोक्चे 200 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, पोक्चे तो मंडी में है नहीं। अच्छा जी, 200 रुपए में भी पोक्चे है नहीं? बेसिल फिर 200 रुपए किलो हो गया। बेसिल 200 रुपए किलो जी। अच्छा जी, और लाल पीली जी? लाल पीली बंद डब्बा कम से कम 150 रुपए किलो सर। 150 रुपए किलो बंद डब्बा? कम बंद डब्बा। अच्छा जी, इसमें भी तेजी है जी? तेजी है सर। अच्छा जी, और रेड कैबेज है? रेड कैबेज वही रेट है, 20 रुपए किलो होलसेल का, 30 रुपए रिटेल। और चाइना कैबेज? चाइना कैबेज ये बढ़िया वाला 80 रुपए किलो है। अच्छा जी, चेरी टमाटर वही 60 रुपए है। लेमन ग्रास ये बढ़िया वाला 150 रुपए किलो। बढ़िया वाला 150 रुपए किलो। और ये जी ये गुच्छी में क्या रखा जी? ये बेबी पालक है सर। बेबी पालक 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो जी। अच्छा जी, और ये क्या चीज है? ये रोमन सलाद है सर, ये हल्का है, 30 रुपए किलो है। अच्छा जी अच्छा, और आज इसका जी? पार्सली 120 रुपए किलो सर। पार्सली 120 रुपए किलो जी। अच्छा जी, और जुकनी? जुकनी हरी जुकनी है 40 रुपए, पीली जुकनी 60 रुपए किलो। अच्छा जी, एक वो जुकनी उधर आ रही, उसको गाय भी नहीं खा रही पीले वाली को? वो सर वो रामपुर की और राजस्थान की अब जो एंड हो गई है ना वो है। अच्छा जी, ये अब लोकल आ गई बालगढ़ की। अच्छा जी, ये पानीपत सोनीपत की जो आ रही है ये अच्छी है जुकनी। अच्छा, उसमें गलन चल जाती है? गलन चढ़ गई, वो आगे से बेकार हो रही है। अच्छा जी अच्छा, आइसबर्ग है 40 रुपए किलो होलसेल का बाजार है, 50-60 रुपए रिटेल का है। अच्छा जी, लाल सलाद 40 रुपए किलो, पीला सलाद 30 रुपए किलो। अच्छा जी, और हाँ जी बाकी सर सब कुछ सेम रेट का है। हाँ जी, यानी आज ज्यादातर ये तो ये इसमें बेसिल में, पोक्चे में, चाइना कैबेज में, लाल पीली में, ब्रोकली में, ब्रोकली में इन में तेजी आई जी। बिल्कुल। फिर ये जैसे अब ये समझ लो 1-2 दिन में नवरात्रे खत्म है, फिर तो इसके बाद और ज्यादा तेजी आएगी। अच्छा जी, लाल पीली में और तेजी आएगी, ब्रोकली में, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है, शादियां शुरू हो जाएंगी, माल पूरे तरह तैयार नहीं है। अच्छा जी, फिर तो अभी तो पर्चे तो आ लिए जी आपके पास, ये डिमांड वो तो आते रहते हैं सर, लो वाले हैं जी ये जी, लेकिन उनकी क्या है, इनकी अभी डिमांड कम है क्योंकि होटल सप्लाई भी इस टाइम ज्यादा है नहीं नवरात्रि के। अच्छा, रेस्टोरेंट बंद पड़े जी उसके। और इसका नहीं बताया आज आपने, लीक का? लीक है सर 150 रुपए किलो। अच्छा, मोटी लीक नहीं आ रही आजकल? इससे ज्यादा मोटी आएगी नहीं, जैसे जैसे ये वाली है कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी, ये बैंड हो रहा है। अच्छा जी अच्छा जी, ठीक ठीक। अब कहाँ की चलेगी जिल्ली की है? ये चलेगी सर अब सोलन की। और थाई सब्जियों का क्या चल रहा है? थाई सब्जियों का वही सेम रेट चल रहा है, उसमें भी कोई उथल पुथल नहीं। अच्छा जी, और देसी अवाकाडू? देसी अवाकाडू 280 रुपए किलो। देसी अवाकाडू बढ़िया जो क्वालिटी का? अच्छा जी, और बढ़िया आ रहा है इस टाइम पे? अब बढ़िया आ रहा जी जी, 280 रुपए किलो में बहुत बढ़िया। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों अपनी दुकान का एक बार एड्रेस मोबाइल नंबर जी? मेरी दुकान का एड्रेस है D1272 और D383। हाँ जी। मेरा फोन नंबर है 9911289961 और 9911585827। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बात करते हैं भाई साहब के पास, इनके पास ये चाइनीज घी आया जो डब्बों में आता है, जानते हैं इसका क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी आपके पास वो आंवला आता था? आंवला इस टाइम नहीं आई, खत्म हो लिया जी बिल्कुल ही। अच्छा, और भिंडी भी नहीं आ रही आजकल? भिंडी भी नहीं आ रही। और करेला भी नहीं आ रहा जी? बखाली है, खीरा खीरा रहेगा जी। अब कौन सी फसल चलेगी इसके बाद? इसके बाद तुम्हारा गवार आ जाएगी। गवार? गवार फली जो ब्रीक वाली जी? अच्छा, मखनी गवार जी? हाँ जी मखनी। अच्छा जी, और आज खीरे का क्या बाजार चला जी? खीरा एक जयपुर आया था पन्नी में। हाँ जी। वो बिका 28-30 रुपए किलो। हाँ जी।
और जी तुम्हारा पानीपत वाला आया था हाँ जी पन्नी में, हाँ जी, वो बिका 26 से 28, हाँ जी, और ये बिका 24 से 25, ये 24 से 25 रुपए। उनकी क्वालिटी बढ़िया जी, पन्नी वालों की नए माल आ रहे थोड़े, अच्छा नए माल इसलिए अच्छे लगे। ये वहाँ का रायगढ़ का जी, रायगढ़ अच्छा, धन्यवाद सर जी जानकारी। और मखनी कुमार का क्या बाजार चल रहा जी? मखनी कुमार 55-60 रुपए बढ़िया है, जो 55-60 रुपए बढ़िया मखनी आ रही जो, अच्छा जी, पन्नी में बोरियों में, पन्नी में, अच्छा जी, अच्छा धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर जी? 4378991988। अच्छा जी, आंवला कितने दिन तक आएगा दोबारा? आंवला अभी मद्रास चालू हो गया, हम आ रहा है, 80-85 बिक रहा है मद्रास वाला जी। अपने पास कब आएगा जी? अभी अपने पास नहीं मंगा रहा। अच्छा धन्यवाद। बात करते हैं मिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे, जानते हैं इनके पास आज का क्या कुछ बाजार चला, क्या क्या माल आया भाई साहब के पास, जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, आज क्या क्या माल आया जी? सभी किसान भाइयों को मेरी प्यार भरी राम राम। आज ककड़ी आई थी, सबसे पहली बात तो ककड़ी आई थी। हाँ जी, ककड़ी क्या रेट गई जी? ककड़ी जो A1 ककड़ी थी वो बिकी 30-35-40। अच्छा जी, अच्छा जी, दूसरी दो नंबर की ककड़ी बिक रही थी 25-30। अच्छा जी, और जुगनी का जी, हरी का जी? और हरी जुगनी का रेट है 8 रुपए और 10 रुपए किलो, ये हरे वाली, हाँ, हरी वाली। अच्छा, और ये पीली वाली कोई गाय नहीं खा रही, कोई नहीं खा रहा है। क्या बात जी, ये इसका उठाव ही बंद हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये पेठा आया है कानपुर से कद्दू जी, ये पीछे देखो बोरियों में लगा हुआ है। हाँ जी, 8 रुपए से लेके 10 रुपए किलो तक, 8 से लेकर 10 रुपए किलो तक। अच्छा जी, और हमारे पास कानपुर से टिंडा आया था, ये देसी वाला, देसी वाला, ये है बॉम्बे का, ये बॉम्बे का, ये बॉम्बे का महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का, ये बिका 40 रुपए से लेके और 25 रुपए किलो तक। अच्छा जी, महाराष्ट्र वाला जो कानपुर से, जो हमारा कानपुर से टिंडा आया वो 100 रुपए किलो बिका है। टिंडा जी, टिंडा जी, वो 100 रुपए किलो बिका है। क्या क्वालिटी जी 100 रुपए? क्वालिटी है वो 25 ग्राम का दाना है। अच्छा जी, ये 250 ग्राम का दाना, वो 25 ग्राम का दाना है। अच्छा जी, उसकी ये क्वालिटी है, तेज हो गया जी। हाँ जी, और सुहाजना जिसे सुहाना कहते हैं, सुहाना, हाँ जी, 25 रुपए और 30 रुपए किलो बिका। क्या बला है जी? वो बला है, बहुत बढ़िया बला है। आपको एक दिन आपने राणा सिंह ने किसी की दुकान से दिखाया था कि ये इस चीज में दवाई में काम आता है, ये दवाई में काम आता है, वही चीज रही जी। सुवाना क्या चीज आई? ये एक लंबी सी होती है सुवाने की फली। अच्छा जी, सुवाने ड्रमस्टिक। अच्छा जी, ड्रमस्टिक, ड्रमस्टिक जो हमारे पास जो लोकल है, हाँ जी, वो 30 रुपए और 25 रुपए बिकी थी। अच्छा जी, हाँ जी, ड्रमस्टिक। अच्छा जी, और ये चप्पल, ये देसी टिंडा, और ये चप्पल टिंडा आज बिका है 15 से लेके 18 रुपए किलो तक। अच्छा जी, और इसी में करेला जी, करेला, करेला थोड़ा आया था 4-5 थैली, हाँ, वो 40 रुपए किलो बिका है कानपुर से। हाँ जी, कानपुर का करेला, वो है देसी करेला जिसे कहते हैं देसी। अच्छा जी, हम लोग बाग सब कहते हैं देसी देसी देसी, वो देसी नहीं होता। हाँ जी, एक कानपुर से आता है, वो देसी होता है। अच्छा जी, उसे देसी कहते हैं। धन्यवाद सर जी। दुकान का एड्रेस कॉन्टेक्ट नंबर जी? आजादपुर मंडी D1219 महेंद्र हिंदू। और मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9311370778। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। धन्यवाद। करते हैं भाई साहब के पास, ये गाजर आती है, एक पीले वाली गाजर आती है, पीले वाली तो बिकली, और एक ये लाल गाजर और पत्ता गोभी। जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी, आज का क्या कुछ बाजार चला जी? पीले वाली गाजर का? पीले वाली गाजर बिकी 700 रुपए की, 700 रुपए की बोरी जी। बोरी। और ये लाल वाली जी? लाल वाली बिकी 600 से 700 तक, 600 से 700 रुपए। और अपना पत्ता गोभी जी है? पत्ता गोभी बिक रही है 600 से 700 तक भी, 600 से 700 की बोरी जी। इसमें वही 60 किलो का देना जी? 60-65। अच्छा जी, अच्छा। और इनमें कितना है जी गाजर में जी? 40-42 किलो, 40-42 किलो। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी मोबाइल नंबर बोल दो। 9541-46-670। अच्छा जी, धन्यवाद। दोस्तों बात करते हैं भाई साहब के पास, ये चुकंदर आता है आज, इसका क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, चुकंदर का क्या कुछ बाजार चल रहा? चुकंदर चल रहा 7-8 रुपए, 7-8 रुपए मंदो लिया। चुकंदर आ रहा है 9-10 बिक रहा है, 7-8 रुपए। ये बढ़िया वाला कहाँ का रहा जी? है सब यहीं से आ रहा है, यूपी वाला ही जी। यूपी वाला मतलब। और जो इंदौर वाला आता था बंद है जी? बंद हो गया, अभी नहीं चले। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी अपने पास? और ये आ रहे नीलम 74 आ रही, वो बिक रहे 18 से 20। अच्छा जी, नीली लंबी आ रही, वो बिक रही है 18-17-18। मंद ही है जी इसका तो जी? डाउन है बाजार। अच्छा, चुकंदर का ज्यादा डाउन हुआ है जी फिर बाजार जी? हाँ, चुकंदर का यही बाजार चल रहा है 8-10। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। मोबाइल नंबर बोल दो जी अपना। 8876-99-61-95। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त।
करते हैं मशरूम की, जानते हैं मशरूम का आज का क्या कुछ बाजार चला मंडी में, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जो स्पेशल मशरूम के बेचने वाले भाई साहब। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज कैसा का बाजार चला जी? बाजार वही है सर, बढ़िया माल का 120 रुपए। अच्छा जी, बढ़िया 120 रुपए जी। बिका नहीं जी आज, क्या बात है अब तक? अच्छा, बस जहाँ से मतलब एक दो दिन में नवरात्रे खत्म हो फिर तो हाथ भी नहीं आने का जी, शादियों का सीजन चलने वाला जी। नहीं नहीं अभी थोड़ा पीछे माल भी बहुत है ना, सुनने में आ रहा है आप देखो कैसे बाजार चल जो एसी प्लांटों में माल ज्यादा है जी, 30-40 तक। पर जहाँ यार नवरात्रे खत्म हो बिक्री तो बढ़ेगी ना जी, फिर इसकी बढ़ेगी। जब तक माल थोड़ा कम रहेगा तब तक बिक्री बढ़ेगी। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब। दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर? 416 सर। हाँ जी, 9599-37478। थोड़ा धीरे बोल लो जी, 9599-37478। धन्यवाद। करते हैं टमाटर की, जानते हैं टमाटर का आज का क्या कुछ बाजार चला जो स्पेशल टमाटर बेचने वाले एसपीएन टमाटो कंपनी है, जानते हैं आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला। श्रवण भगत से नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज कितनी गाड़ियां आ रही जी मंडी में जी? 20-21 गाड़ी होगी मंडी में। अच्छा जी, तो बाजार कैसा चला जी आज का जी? ये कहाँ वाला है जी अपने पास? 300 से देसी 600 रुपए का बाजार है देसी का। 300 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का देसी गोल्ड टमाटर है। ये कहाँ वाला है जी? ये बेंगलोर वाला है जी। ये क्या बाजार चल रहा जी? 400 से 600 रो। अहमदाबाद वाला जी सीम सुनना, वो भी सर यही समझ लो बढ़िया टमाटर जो है 500 तक है अहमदाबाद वाला जी। 300 से 500। और जो 300 वाला लोकल में कहाँ वाला आ रहा जी जो सस्ता टमाटर है गोल्ड? वो यहाँ का कासगंज आ रहा है लोकल, इधर का रहा है गोल्ड टमाटर जी, वो मंदा है जी। और आज हाइब्रिड का कैसा चला जी? हाइब्रिड का बाजार 500 से 600 जी। 500 से 600। ये कहाँ वाला आ रहा भाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद वो हाइब्रिड टमाटर, और कहीं का नहीं आ रहा जी? बस यही का आ रहा है। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इन भाई साहब का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल वेजिटेबल कंपनी पे, जान लेते हैं इनके पास भी ये टमाटर का आज का क्या कुछ बाजार चला। इनके पास ये गोल वाला टमाटर और हाइब्रिड लंबे वाला टमाटर आया। ये कौन सी भाषा बोल रहा जी? नमस्कार जी, आज का कैसा रहा जी आज बाजार जी अपने पास जी? ये कहाँ वाला माल जी? ये भोपाल का सर जी। भोपाल का जी? जी जी जी। इसका कैसा रहा जी आज? इसका जी सर 400। अच्छा जी, और इसका हाइब्रिड? ये भी हाइब्रिड भी सीरीज में है जी, दोनों 400 साढ़े 400। बस बस बस। अच्छा जी, अच्छा अपने पास ये मध्य प्रदेश भोपाल ही आ रहा जी? अभी यही आ रहा है। अच्छा जी, धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान के एड्रेस है, इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।